नौजवानों के लिए प्रोग्राम पेश किया जाता है हम नौजवान मेजबान आसिफ इलियास प्रोड्यूसर मोहम्मद जमील बशर पेशकश रेडियो पाकिस्तान कराची हम नौजवान ऐ जवान जीत है तेरा निशान ऐ जवान मंजिल है आसमान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रेडियो पाकिस्तान FM 93 कराची मरकज की जानिब से कौमी नशरियाती राबते पर प्रोग्राम पेश खिदमत है हम नौजवान, और मैं हूँ आपका मेजबान आसिफ इलियास। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? कहने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि आप पाकिस्तान के जिस शहर के निवासी हैं और जहां कहीं भी हैं, यकीनन अपनी अपनी पढ़ाइयों के साथ साथ अपनी मसरूफियात में भी मसरूफ अमल होंगे। तो जनाब, हम आपके लिए ढेरों ढेर दुआएं करते हैं और साथ ही साथ आपके लिए नेक ख्वाहिशात के भी मुतमन्नी हैं कि आप जल्द अज जल्द अपनी अपनी मंजिलों को पालें। और जनाब, बातें तो होती रहेंगी, सबसे पहला हमारा आज का सिलसिला है खोल आंख जमी देख फलक देख फिजा देख, और इसमें हमारे मुंतजिर हैं हमारे आज के मेहमान, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में और खासकर शहर कराची में अपने झंडे गाड़ने वाले एथलेटिक के दुनिया के मायानाज अफ़ान रहमान। तो आइए मुलाकात करते हैं एथलेट अफ़ान रहमान से। हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं इस वक्त शहर कराची के मायानाज एथलीट और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अफ़ान रहमान। अस्सलाम वालेकुम अफ़ान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि प्रोग्राम में शरीक होकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं रेडियो के किसी प्रोग्राम में आया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, आपका हवाला है एथलीट के हवाले से। इस फील्ड में बहुत कम नौजवान तबका है, इसकी क्या वजह है कि नौजवान जो है वो एथलेटिक में कम आते हैं? असल में मेरा जो गेम है जिमनास्टिक्स में करता हूँ, तो जिमनास्टिक के हवाले से लोग इतना अवेयर नहीं है हमारे पाकिस्तान में, और मैं ही वो वाहिद जिमनास्ट हूँ पूरे पाकिस्तान का जिसके पहली दफा इंटरव्यूज टीवी पे आना शुरू हुए, और अब आपने भी मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, इस वजह से अब कुछ लोगों को अवेयरनेस होना शुरू हो गई है जिमनास्टिक्स के हवाले से, वरना पहले तो कुछ लोग जानते ही नहीं थे कि जिमनास्टिक्स होती क्या है, लेकिन अब काफी जानना शुरू कर दिया लोगों ने। आप जो कह रहे हैं ना अवेयरनेस नहीं, पूरे पाकिस्तान में आपका प्रोग्राम सुना जा रहा है, बताइए जरा कि ये जिमनास्टिक होती क्या है और ये खेल नौजवानों के लिए खासतौर से किस तरह से फायदेमंद है? जिमनास्टिक को पूरी दुनिया में तमाम खेलों की मलका कहा जाता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये किस तरह का गेम होगा जो मलका कहा जा रहा है जिमनास्टिक्स को। तो इसमें बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत सारी टफ एक्सरसाइजेज होती हैं, और जिमनास्टिक एक ऐसा गेम है जिसके अंदर 6 इवेंट होते हैं, और एक प्रॉपर जिमनास्ट बनने के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वो 6 के 6 एपरेटस खेलने आने चाहिए, और उसमें बहुत अच्छे आप होंगे तो आप पार्टिसिपेट करेंगे। और जिमनास्टिक शुरू करने की जो सबसे अच्छी एज है वो 5 साल है। वैसे मैंने 3 साल की उम्र में स्टार्ट लिया था जिमनास्टिक्स का, माशाल्लाह। उसकी वजह एक ये थी कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो जिमनास्टिक्स से रिलेटेड है, मेरे जो 4 से बड़े भाई हैं वो 4 जिमनास्ट हैं, एक और उन्हीं में से एक भाई मेरे कोच भी है, हमेशा से मेरे कोच वही रहे मोहम्मद उमैर खान, और आज तक वही मुझे ट्रेनिंग कराते हैं, और कभी कोई मेरा कोच नहीं रहा। सही। अच्छा, आपके वालिद साहब ने भी माशाल्लाह से इस हवाले से काफी काम किया, तो उनके बारे में जरा बताइए। मेरे वालिद मिस्टर कराची मिस्टर सिंह रहे बॉडी बिल्डिंग में, और बॉडी बहुत फिट रहती है माशाल्लाह से, बहुत सारी चीजें बॉडी बिल्डिंग में मुझे समझनी नहीं पड़ती, ज्यादा देखनी नहीं पड़ती, वैसी मुझे समझ आ जाती होती है, और एक्सरसाइजेज मैं लोगों को लड़कों को कराता भी हूँ करता भी हूँ। अच्छा, आपने तो वैसे शुरू में ही बता दिया कि 3 साल की उम्र जो कि कुछ नहीं होती, आपने उसी से ही आगाज ले लिया, वरना मेरा सवाल आपसे ये होता कि जी बचपन में क्या इरादा कस किया था और क्या बनने का था, फिर आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो कुछ और बनना चाह रहा था। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब 3 साल की उम्र से आपने आगाज ले लिया, वालिद साहब ने आपकी सरपरस्ती की, देन फिर उसके बाद आपकी जो तरबियत है वो आपकी की आपके बड़े भाई, कौन सा ऐसा मोड़ था जहां आपको आके ख्याल आया कि नहीं भाई मैं, मेरा ख्याल है जिमनास्टिक सरसरी से रखूं और मुझे जो है दूसरी फील्ड की तरफ कदम रखना चाहिए? ये मोड़ बहुत ज्यादा पहले नहीं आया था, ये कुछ ही अरसे पहले मोड़ समझ आ गया था कि ये अब मोड़ आ गया है, ये क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड दिया जिमनास्टिक्स को, मैंने भी दिया, मेरे भाइयों ने भी दिया, और मैंने अपने बहुत से कुछ सीनियर्स को भी देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा, तो फिर कुछ सोचा कि यार अब
लोग दूसरे जो आने वाले जिम्नास्ट हैं हमारे जो आने वाले बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमें ही कुछ स्टेप ले लेना चाहिए और खुद बस अपने आप को फिट रखना चाहिए ट्रेनिंग करते रहना चाहिए बहुत ज्यादा सोचते ना रहना चाहिए क्योंकि वो पंजाबी में कहते हैं सोची पे आते बंदा गया तो अच्छा ये आप एडवांटेज ले रहे हैं कि ताकि पंजाब के गिर्दोनवा में जो लोग हमें सुन रहे हैं तो वो भी महसूस हो लेकिन जो लोग पंजाबी नहीं समझ सकते उनके जरा उर्दू बता दें हाँ तो उसका उर्दू बस इसी तरह से कि ज्यादा सोचना नहीं चाहिए अगर बहुत ज्यादा इंसान सोचता है तो बस फिर वो कहीं का नहीं रहता क्या वो सोच में ही पड़ा रह जाता इस वजह से ज्यादा सोच में ना रहना चाहिए और प्रैक्टिकल पे तवज्जो देनी चाहिए तो अभी हमारा प्रैक्टिकल ये है कि अब हम लोगों के लिए हमने स्टेप लेना शुरू कर दिए मेरे भाई ने जो मेरे कोच हैं मोहम्मद उमैर खान बेचारे अपने पॉकेट से बहुत सारे जिम्नास्टिक के कॉम्पिटिशन कराते रहते हैं उसमें फिर बहुत सारे खर्चे होते हैं वो सारे अपने अपने पास से वो करते हैं तो ये हमने करना शुरू किया और जिम्नास्टिक तो एक ऐसा गेम है कि वो मैं छोड़ूंगा तो कभी भी नहीं क्योंकि जिम्नास्टिक की वजह से मुझे जितनी रिस्पेक्ट मिली है जितना मुझे फेम मिला है जितना मुझे लोग जानते हैं पहचानते हैं तो जिम्नास्टिक तो मैं कभी छोड़ नहीं सकता और जिम्नास्टिक की वजह से आज मुझे काफी कुछ मिला जबरदस्त और काफी कुछ से मिला से मुराद यकीनन आपकी आजादात की बात भी है इज्जत तो अपनी जगह ही है तो जरा सुनने वाले दोस्तों को भी बता दीजिए ताकि वो आपसे मरूब हो जाएं वैसे तो वो मरूब हो चुके हैं कि आपको किन किन सतहों पे जो है सराहा गया मैं पिछले 5 साल से जिम्नास्टिक्स में सिंध का चैंपियन हूँ माशाल्लाह और यानी सिंध गेम्स लास्ट हुए थे 2012 में उसके बाद से सिंध गेम्स ही नहीं हुए तो 2008 से लेके अभी 2015 तक मैं ही सिंध चैंपियन हूँ जिम्नास्टिक्स में और इसके अलावा 2 साल से पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज का भी मैं चैंपियन हूँ 4 साल से कराची इंटर क्लब्स चैंपियन हूँ 2 साल से बीच गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ नेशनल जूनियर चैंपियन मैं रहा हूँ सेकंड बेस्ट हुआ हूँ उसमें और कायदे आजम ट्रॉफी थर्ड बेस्ट ऑलराउंड पाकिस्तान बेस्ट जिम्नास्ट काफी अचीवमेंट्स हैं मेरी माशाल्लाह से कुछ एक आधी मुझे और याद भी नहीं आ रही लेकिन ये कि माशाल्लाह काफी अचीवमेंट्स मेरी हैं इसके अलावा अभी मैंने बॉडी बिल्डिंग में 2015 मिस्टर कराची बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन अभी हुआ कुछ ही दिन पहले उसमें मैं सीनियर क्लास सी में मेरी पोजीशन आई है तो ये भी एक बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह से नहीं नहीं जबरदस्त बड़ी अच्छी बात है अच्छा तालीमी हम आपका सफर जानना चाहेंगे कि तालीमी सफर कहां तक पहुंचा बिल्कुल अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया एडवांस इंग्लिश में कराची यूनिवर्सिटी से और अब कुछ ही दिन में मेरा मास्टर्स स्टार्ट होने वाला है क्रिमिनोलॉजी में जुर्मियात में अरे क्रिमिनोलॉजी मतलब इसमें आने का क्या इरादा इसमें आने का इरादा फिर कुछ इस तरह से बना वैसे तो मैंने ग्रेजुएशन किया एडवांस इंग्लिश में लेकिन फिर हुआ इस तरह से कि मैंने मास्टर्स में एडमिशन लेना था इंग्लिश लिंग्विस्टिक में लेकिन वो मेरा नहीं हो सका वो एक टेस्ट था वो मुझसे क्लियर नहीं हुआ हाँ ये तो होता है हाँ। तो आपने बजाय ये कि आप इंतजार कर लेते आपने जुर्मियात में क्यों हाँ नहीं इंतजार करने से बस फिर टाइम जाया होना था वही आपने जो इंग्लिश हाँ। पंजाबी में कहावत सुनाई हाँ। फिर वो यही होता कि मैं इंतजार ही करता रह जाता तो मैंने इंतजार ना करना पड़े मुझे तो मैंने फौरन ही अपना माइंड बनाया अपना गोल सेट किया कि मैंने करना क्या है तो फौरन ही मेरी समझ भी आ गया वो अल्लाह ताला ने दिमाग में डाल भी दी कि आपने करना क्या है तो वो मुझे ये ठीक लगा कि क्रिमिनोलॉजी अच्छा है मेरे लिए क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ माशाल्लाह से फिट हूँ हर लिहाज से फिट हूँ और उसके बाद जो उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं वो फिर वही है कि किसी किस्म की कोई फोर्स ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह हम आपके लिए बड़े दुआगोए हैं लेकिन सुनने वाले दोस्त मेरे ख्याल हो सकता है मेरी तरह उन्होंने भी इसका नाम सरसरी ही सुना हो तो क्रिमिनोलॉजी के बारे में जरा थोड़ा बताइए कि क्या है और इस इल्म को सीखने के बाद नौजवानों को खासतौर से क्या फायदा हो सकता है क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको जुर्मियात हम उर्दू में कहते हैं यानी ये सारा जुर्म से रिलेटेड है जुर्म के साथ ये जुड़ा हुआ है सारा तो इसमें हम कानून भी पढ़ते हैं और अगर कोई जुर्म होता है तो उसका एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है उसको वो हैंडल कैसे करता है उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करता है ये सारी चीजें हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं सीखते हैं फिर उसको अप्लाई करते हैं अच्छा आपने बताया माशाल्लाह फिजिकली भी आप माशाल्लाह से फिट हैं मुझे तो नजर भी आ रहे हैं और सुनने वाले दोस्त भी अंदाजा कर रहे होंगे फिर आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे तो कभी ऐसा हुआ कि कोई जुर्म आपने पकड़ने में जो है वो कानून साज इदारों की मदद की हो या किसी की मैं अभी इस वक्त थोड़ा सा काम कर रहा हूँ एक ह्यूमन राइट्स कमेटी फॉर पब्लिक एंड पुलिस एड के लिए अच्छा तो ये है कि उसके लिए थोड़ी बहुत चीजें करते हैं
دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اس میں بھی یہی ہمیں سیکھنے کو اس میں یہ ہے کہ پریکٹیکل زیادہ ہے اس میں ہم مختلف پولیس اسٹیشنز میں جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں وہاں کے آفیسرز سے ملتے ہیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں کچھ جرائم کے بارے میں پوچھتے ہیں کچھ مجرموں کے بارے میں پتہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ نے یہ پکڑا ہے تو کیوں پکڑا ہے کیسے کیا کرتے ہوئے پکڑا تو یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی چل رہی ہیں دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ماسٹرز تو میرا اسٹارٹ ہونے ہی والا ہے تو پھر میں تھیوری بھی انشاءاللہ پڑھوں گا پھر پریکٹیکل رب نے چاہا تو پریکٹیکل بھی کریں گے آپ سے گفتگو بڑی اچھی چل رہی ہے یہ بتائیے کہ مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں آپ کیا کرنا چاہیں گے آیا آپ ایتھلیٹکس یا جمناسٹک کے حوالے سے اپنی کوئی تربیتی ادارہ قائم کرنا چاہیں گے یا جرمیات کے حوالے سے مارکا انجام دینا چاہیں گے یا پھر آپ جو سماجی سرگرمیاں لے کے چل رہے ہیں ان پہ کوئی کام کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں اپنا کمپلیٹ کروں گا ماسٹرز کرمنالوجی میں جو ماسٹر جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا وہ انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کی ایک اسپیسیفک ایک جاب میں کروں گا وہ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں کروں گا اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ فیوچر پلانز جمناسٹک کے حوالے سے ایک پرسنل انسٹیٹیوٹ آپ نے کہا کہ ایک کھولنا ہے تو وہ بھی ہمارا ارادہ ہے میرا اور میرے بھائی کا وہ انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی اچھے پیمانے پہ انشاءاللہ ہم کھولیں گے وہ ہمارا یہ سٹیپ ہم نے لینا ہے یہ ہم ضرور کریں گے کیونکہ جو ہم نے ٹائم گزارا ہے نا جمناسٹکس میں تو وہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے گزارا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے آنے والوں کو نہیں اس طرح سے فرسٹریٹ نہیں ہونے دیں گے اچھا زندگی میں ماشاءاللہ جو آپ نے زندگی گزاری ہے ہر ایک کی زندگی میں کوئی ایک شخصیت ہوتی ہے جس کو ہم آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں اور جو ہماری زندگی میں محسن بھی ہوتا ہے عفان کی زندگی میں ایسا کون ہے میرے بزرگان دین میں انہی کو فالو کرتا ہوں انہی کو دیکھتا ہوں انہی کو سمجھتا ہوں اچھا جناب اختتام سے قبل ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سننے والے دوستوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں پیغام یہی دوں گا ایک تو یہ کہ اپنی اسٹڈیز کو ضرور جاری رکھیں اور میں نے دیکھا بھی ہے بہت سے ینگسٹرز کو کہ وہ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں بہت اچھے لیول کی اسٹڈیز لے رہے ہوتے ہیں لیکن ایک چیز کی کمی ان کے اندر ہوتی ہے وہ کمی فزیکل فٹنس کی ہوتی ہے تو ان کو یہ ضرور میں میسج دینا چاہوں گا کہ آپ پلیز اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں ضرور حصہ لیا کریں فار انسٹنس آپ باڈی بلڈنگ کر سکتے ہیں آپ میرے پاس آ سکتے ہیں جمناسٹکس کے لیے باڈی بلڈنگ کے لیے اگر آپ کہیں نہیں جا سکتے تو ایٹ لیسٹ ایک ٹائم بنائیں اپنی اسٹڈیز میں سے وہ ٹائم نکال کے آپ اس میں جا کے کچھ فزیکل ایکسرسائزز کریں کسی پارک میں جائیں تھوڑی جاگنگ کریں تھوڑی رننگ کریں کوئی اسکپنگ روپ آپ لے جائیں مینز آپ اپنے آپ کو کچھ فزیکل ایکٹیویٹی میں ضرور ان رکھیں ضرور ضرور بہت شکریہ عفان آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی اور اچھی ملاقات رہی اور آپ نے جو مشورے دیے یقیناً ہمارے جو دوست ہیں ہم نوجوان یقیناً وہ اس سے اصلاح لیں گے آپ کو بہت شکریہ جی دوستو کیسی رہی ملاقات ایتھلیٹ عفان رحمان سے یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی ہم اس وقت شکر گزار ہیں اپنے ان سامعین کا جو ہمارا پروگرام ریگولر سنتے ہیں اور اپنی تنقید کے ساتھ ساتھ اپنی تجاویز سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں آپ سب کا